फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेमा जोशी माय लाइफ व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने फैमिली के साथ होंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरा फिश ड्राइंग का वीडियो देखा, तो यही है वो फिश जिसको मैं सुखा रही थी। और इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉम्बे डक, और ये इंडिया का फिश है, और इसी को मैं सुखा रही थी। तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो कोई बोल रहा था कि इसका ये फिश बोन है, और कोई बोल रहा था हड्डी है क्या है। तो ये हड्डी नहीं है, ये प्रॉपर फिश है जो बॉम्बे डक बोलते हैं, और इसको बॉम्बिल बोलते हैं। इसमें सॉल्ट लगा के इसको सुखाया जाता है, क्योर किया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा और न्यूट्रिशियस है। और इसको हम कैसे पकाते हैं, अब तो ये फ़िलहाल सूखा हुआ है, तो इसको हम पहले कट करेंगे। नया वाला यूज़ करो ना, ये सूखा नहीं है, नहीं तो ऐसे हाथ से ये ऐसे कट जाता है। देखिए, ऐसे थोड़ा सा मार्क करेंगे तो ये ऐसे कट जाए, तो ये देखिए ये ऐसे टूट जाता है। तो थोड़ा सा कट देने के बाद ये कुछ ऐसे ब्रेक हो जाता है। तो मैं सारा कट करती हूँ और फिर आती हूँ आपके पास। तो ये सारे फिशेस कट गए हैं, और इसको हम एक क्लीन बोल में लेंगे यहाँ पर ऐसे। के बाद ये हमारे पास है हॉट वाटर। इसको अभी फ़िलहाल हम हॉट वाटर में सोक करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बस इसको इतना, ये फिश को डूबने जितना हमें इसको सोक करना है और सोक करके रखना है। तो ये सोक होने तक हम बाकी का प्रिपरेशन करेंगे। ये भीगने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, और इसको इतना ज़्यादा भिगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 10-15 मिनट अगर आपने भिगा दिया तो काफ़ी है, गया है। और अब इसका पानी हम फेंक देंगे, और इसमें ना सैंड भी आता है, तो इसको पहले मैं अच्छे से धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, और अब आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है। और सेकेंड थिंग ये है कि इसको जब हम वॉश करते हैं तो इसमें सैंड भी आता है, क्योंकि ये बेसिकली जो सी साइड में होता है वहाँ पर इसको नमक लगा के सुखाते हैं, तो इसमें ना इसके बॉडी में सैंड भी होता है, तो इसको अच्छे से आपको धोना चाहिए। तो मैंने धो लिया है, अब मैं इसको पकाऊंगी। बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी मैंने रेडी कर लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम होल स्पाइसेस ऐड करेंगे, और प्याज है, और ये है हरी मिर्च, आप लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ पटेटोज़ मैंने कट करके रखे हैं, मैं पटेटो का कॉम्बिनेशन में बनाऊंगी। और ये है हमारा नमक, हल्दी और मसाला, ये हरा धनिया है जिसको मैंने चॉप करके रखा है, और ये कुछ टमेटोज़ हैं, लेमन है, और पैन रखा हुआ है। अभी इसमें फ्रेंड्स, इसमें मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल गरम भी हो चुका है, और अब इसमें हम होल स्पाइसेस ऐड करेंगे। ग्रीन चिली डालेंगे, ये ऑनियन, एक इंग्रेडिएंट मैं आपको बताना भूल गई थी, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे, आप चाहो तो आप घर में भी बना सकते हो, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसको अच्छे से रोस्ट करना है, और ये ऑनियन के साथ हम थोड़ा मसाला है वो भी रोस्ट कर लेंगे। इसमें है हल्दी मसाला और रेड चिली पाउडर। तो फ्रेंड्स, हमारे ऑलमोस्ट मसाला रोस्ट हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे टमाटो। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग टमाटो ऐड कीजिए, हम थोड़ा ग्रेवी टाइप बना रहे हैं इसीलिए हम टमाटो ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है फिश के अंदर। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए इसमें दिख नहीं रहा है ना, हाँ फिलहाल के लिए अभी इसमें कम सॉल्ट ऐड करेंगे, बाद में देखेंगे अगर और रिक्वायर्ड होगा तो ऐड करेंगे, बट अभी के लिए हाफ स्पून काफ़ी है। टमेटो हाफ कुक हो चुका है फ्रेंड्स, तो इसमें हम क्योंकि पटेटो भी ऐड करेंगे, तो अभी पटेटो ऐड कर देते हैं, और इसको हम ढक के पटेटो को कुक होने तक। आलू मिक्स हो चुका है, और अभी इसको हम ढक के आलू को खोने तक पकाएंगे स्लो फ्लेम में। हमारे जो पटेटोज़ है ये
इधर से मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ऑलमोस्ट हाफ कुक्ड है और थोड़ा सा इसको कवर करने से इसमें ग्रेवी भी बन गया है। तो अब हम ये जो ड्राई फिश है जो हमने भिगो के रखे थे वो ऐड करेंगे, बॉम्बिन, और इसको ऐसे मिक्स कर देते हैं। और ये देखिए ऐसे, और ये जो हमारे पास जो धनिया कट करके रखा था वो भी ऐड कर देंगे। तो फ्लेम हमारा स्लो है और इसको बीच बीच में चलाते रहना है, ठीक है। चलो अच्छी तरीके से पक चुका है और ये देखिए हमारे पोटैटोज भी पक चुके हैं और ये फिश भी पक चुका है। फिश कितना सॉफ्ट हो गया है देखिए। तो यही है फिश और गैस मैंने बंद कर दिया है। ये हमारा फिश रेडी है, आप देख सकते हैं। ये जो फिश है इसको अगर आप ऐसे ओपन करेंगे तो ये देखिए ये कुक हो चुका है और इसके अंदर इसको हम खाते हैं। तो इसकी ये देखिए ये फिश इतना टेंडर है और ये जो है ये इसका फिश बोन है जो अगर आपको चाहो तो खा सकते हो, नहीं तो ये इस तरीके से बाहर निकलता है, इसको आप फेंकना है और इसे खाना है।